दोस्तों आज भी लेकर आ गए हमारी आज की टेक और ऑटो न्यूज़ अपडेट्स को लेके। दोस्तों काफी अच्छे अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले निकल के आ रहा है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों सैमसंग की जी फोल्ड सीरीज, जी फोल्ड फोर, जी फ्लिप फोर और साथ में वॉच 5, ये तीनों चीजें BIS सर्टिफिकेशन साइट के ऊपर रजिस्टर हो चुकी हैं। इनकी बैटरी डिटेल्स निकल के सामने आई हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इनका लॉन्च इवेंट जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों रजिस्टर हुआ तो इसका मतलब ये लॉन्च होंगे ही। दोस्तों काफी अच्छी बात है, देखते हैं कब तक लॉन्च होते हैं। वैसे दोस्तों अगला ब्रांड निकल के आ रहा है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स का नोट 12 सीरीज आने वाला दोस्तों इंडिया में। वैसे इसका डेट सामने निकल के आया है 20th of May। दोस्तों सीरीज काफी अच्छी वाली, क्योंकि इसके अंदर आपको एक 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। 33 वॉट का फास्ट चार्जर होगा और दोस्तों एक्सपेक्टेड है 5000 mAh की बैटरी होगी। मीडियाटेक हीलियो का कोई ना कोई प्रोसेसर होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं इसके अंदर एक स्पेशल एडिशन होने वाला है, डॉक्टर स्ट्रेंज एडिशन, जो नई मूवी आई है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, तो काफी जबरदस्त है। मतलब काफी बढ़िया इन्होंने इसके साथ में कोलैब करके एक नया फोन लेके आने वाले हैं, वो भी नोट 12 सीरीज के अंदर, देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों वन प्लस की तरफ से एक और अपडेट निकल के आ रहा है। वन प्लस दोस्तों एक नया फोन लेके आने वाला है। मैंने आपको काफी दिन हो गए पहले बताया था कि वन प्लस का एक फोन है जो टेना वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर हुआ है, देखा गया उसे। और यहाँ पर दोस्तों अपडेट निकल के आ रहा है कि इसके अंदर मीडियाटेक डोमेस्टी 8100 होने वाला है, एमोलेड डिस्प्ले होगी दोस्तों और काफी जबरदस्त फास्ट चार्जिंग वगैरह में आपको मिल जाएगी। दोस्तों फोन कहा जा रहा है कि वन प्लस 10 लाइट 5G के नाम से आएगा ग्लोबल मार्केट में, और चाइना के अंदर जो ए सीरीज लॉन्च हुई थी उसके अंदर आएगा। और अगर इंडिया की बात करूं तो यहां पर हो सकता है ये नॉट 3 के नाम से आ जाए, देखते हैं दोस्तों क्या निकल के आता है। अगला अपडेट निकल के आ रहा है रियलमी की तरफ से। दोस्तों कहा जा रहा है रियलमी जो है वो भी एक फोल्डेबल फोन के ऊपर काम कर रहा है। दोस्तों काफी मजा आने वाला है, मतलब बहुत सारी कंपनी जो है इस साल फोल्डेबल फोन लेके आने वाले हैं, देखते हैं दोस्तों। अगला अपडेट निकल के आ रहा है ईवी की तरफ से, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ से। दोस्तों आप बता दूं यहां पर अपडेट निकल गया है, पिछले दिनों में बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्लास्ट हुए थे, काफी नुकसान हुआ। दोस्तों यहां पर यह चीज निकल के आई है कि बैटरी जो है वो डिफेक्टिव यूज कर रहे थे ये लोग। तो दोस्तों मेरे हिसाब से चाहे बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हो चाहे ये कंपनीज हो, दोनों की गलती है। दोस्तों बेसिकली उन्होंने कहा है कि ऑर्डर फटाफट आ रहे हैं और बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को कहा जा रहा है फटाफट आप बैटरी बस बना के डाल दो। दोस्तों बहुत गलत चीज है, मतलब हो सकता है इसका मतलब यह है कि टेस्टिंग भी सही से नहीं हो पा रही है। दोस्तों ये बहुत गलत है, यूजर की लाइफ के साथ आप खेल रहे हो। तो दोस्तों इसके ऊपर अब गवर्नमेंट ने कहा है कि अब जो है आप कोशिश करिए सारे के सारे व्हीकल्स वापस मंगाइए जिनमें भी बैटरी डिफेक्ट वगैरह है या डिफेक्टेड बैटरीज आपको मिलती हैं, चेंज कीजिए। और आगे अगर कोई ऐसा केस निकल के आता है तो आपके खिलाफ काफी बड़ा एक्शन हो सकता है, देखते हैं दोस्तों क्या निकल के आता है। और दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है जियो की तरफ से। दोस्तों जियो ने अनाउंस किया है कि जियो जो है वो अपना 5G नेटवर्क लेके आएगा इंडिया में सबसे पहले। वैसे दोस्तों एयरटेल भी तैयारी में है, एयरटेल ने आपको पता है एयरटेल 5G नेटवर्क का टीजर भी किया, टेस्ट भी किया था, ट्रायल जो किया था जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी बुलाया था। और अभी जो है जियो ने आज कह दिया है, यानी कि दोस्तों कंपटीशन में चल रहे हैं और दोस्तों मुझे लग रहा है कि जियो ला सकता है, क्योंकि जियो ने कहा है कि जुलाई के बाद में आ जाएगा, देखते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों बारी होती है ऑटो न्यूज का। ऑटो न्यूज में मैं आपको कल भी बताया था, परसों बताया था कि हुंडई की कार जो है वो महंगी हो रही है। दोस्तों आज जो है वरना और ऑरा का प्राइस भी बढ़ चुका है 13,000 rupees तक। तो दोस्तों लगभग सारे मॉडल्स के उनके प्राइस बढ़ चुके हैं, एक ही बार में अपडेट नहीं देते हैं, एक एक दिन करके दो दो तीन तीन कार्स बोलते हैं। तो आज वरना और ऑरा का अपडेट हो चुका है, प्राइस और बढ़ चुका है, तो जो भी लोग लेंगे दोस्तों उनको थोड़ा महंगा पड़ेगा। वैसे दोस्तों ये बता दूं आपको मारुति की तरफ से काफी अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है, उन्होंने 31,000 rupees तक के डिस्काउंट रखे हैं, यानी कि वेरिएंट के हिसाब से आपका डिपेंड करेगा। आप छोटा वेरिएंट लोगे, छोटा बेस वेरिएंट, तो उसमें कम होगा, बड़ा वेरिएंट लोगे तो उसमें ज्यादा होगा। चाहे उनकी नॉर्मल कार है, हैचबैक है, चाहे एसयूवीज है, सबके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलने वाले हैं। ये मई के लिए है, लिमिटेड ऑफर है, तो जो भी लोग नई कार लेना चाहते हैं मारुति की देख रहे हैं तो उनको डिस्काउंट मिलेगा, काफी अच्छी बात है। वैसे तो यहाँ पे लास्ट अपडेट निकल के आ रहा है केटीएम की तरफ से। केटीएम आरसी 390 एडवेंचर का लॉन्च हुई है, और आप बता दो 390 जो नॉर्मल वाली है इसका प्राइस रिवील हो चुका है 3,14,000 rupees का। दोस्तों काफी जबरदस्त निकल गया ये बाइक, और आपको बता दूं ये प्राइस जो है काफी ज्यादा इंक्रीज है, पिछला वाला जो मॉडल है उससे 36,000 rupees आपको ज्यादा देने पड़ेंगे इस बाइक के लिए। दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों आज की टेक और ऑटो दोनों न्यूज़ अपडेट यहीं पे होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।